इस जगत में रहने वाले सभी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतुओं की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा ही हुई है। इसी प्रकार परमपिता ब्रह्मा जी के ही अनेक मानस पुत्रों में अधर्म भी उनका एक मानस पुत्र ही है, जो धर्म के आचरण के बिल्कुल विपरीत चलने वाला तथा धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है और साथ ही तामसी तथा दुष्ट प्रकृति का होने के कारण धर्म से अधिक प्रभावशाली तथा शक्तिशाली भी है। इसी कारण वह धर्म की राह पर चलने वाले मनुष्यों को ही नहीं बल्कि ऋषियों, मुनियों तथा देवताओं को भी भटकाकर अपनी अधर्म की राह पर खींच ले जाता है। यह अधर्म धर्म की राह पर चलने वाले देवताओं का शत्रु है, इसलिए इसका प्रभाव देवताओं के शत्रुओं, असुरों, दैत्यों तथा राक्षसों पर अधिक रहता है। अधर्म के इसी प्रभाव के कारण असुर, दैत्य और राक्षस सदैव धर्म का विनाश करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अधर्म के अपने वंशज भी धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म का साथ देते हैं और धर्म की राह पर चलने वाले मनुष्यों को विचलित करके उन्हें धर्म की राह से भटकाने का कार्य किया करते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी के इस पुत्र अधर्म का विवाह मृषा नाम की कन्या से हुआ था। मृषा से अधर्म के दो संतानें हुई थी, जिसमें एक दंभ नाम का पुत्र था और माया नाम की एक पुत्री थी। यह दोनों अधर्म की संतानें थी, इस कारण अधर्म की राह पर ही चलते हुए दंभ और माया ने आपस में विवाह कर लिया था। दंभ और माया से भी दो संतानें उत्पन्न हुई थी, लोभ और निकृति। निकृति का मतलब होता है शठता। लोभ और निकृति ने भी अपने माता पिता की भांति आपस में विवाह कर लिया था तथा उनकी भी दो संतानें उत्पन्न हुई थी। एक क्रोध नाम का पुत्र था तो दूसरी हिंसा नाम की पुत्री थी। इसी प्रकार हिंसा के संयोग से कली यानी कलह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। दुरुक्ति नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। दुरुक्ति को आम भाषा में गाली कहा जाता है। दुरुक्ति और कली ने भी आपस में ही विवाह कर लिया था तथा उन दोनों के संयोग से भय और मृत्यु का जन्म हुआ था। अपनी अधर्म के राह पर चल रही वंश परंपरा के अनुसार भय और मृत्यु ने भी आपस में ही विवाह कर लिया था तथा उनके भी दो संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनका नाम था यातना और निरय। निरय का मतलब है नरक। युवा होने पर यातना और निरय ने भी अपना जोड़ा बना लिया था। इस प्रकार अधर्म के वंश में जन्मे उनके सभी वंशज दुष्ट और अधर्मी ही हैं। इस कारण वह सदा ही धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म का सहयोग किया करते हैं और अपने प्रभाव से सदा ही मनुष्य को भटकाने का प्रयास करते रहते हैं। अधर्म के इस वंश का यह संक्षिप्त विवरण श्रीमद् भागवत के अष्टम अध्याय में लिखा हुआ है।